जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और मैं आपकी ओर से और सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुख्य सचिव होने के नाते मैं यहाँ कुछ अपनी भावनाओं से भी अवगत कराना चाहूँगी कि हर मुख्य सचिव का एक सपना होता है कि वो इस तरह के पलों का, जो ऐतिहासिक पल होते हैं, उसका हिस्सा बने। और आज मैं मुख्य सचिव के पद पर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनी, मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी है। जब से मैंने पद ग्रहण किया है, तब से एक जब भी मैं किसी परिवादी से मिलती थी और वो जब ये कहते थे कि उनको ज़िले में जाने में वक्त लगता है या अंतिम छोर तक जिस तरह से सक्रिय तरीके से मॉनिटरिंग करके या दौरा करके जिस तरह से लाभ मिलने चाहिए, भरपूर कोशिशों के बाद भी कभी कभी कुछ कमियां रह जाती थी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में जो ज़िलों का घोषणा की, उससे जो एक गुड गवर्नेंस मॉडल राजस्थान का है, उसमें इन नए ज़िलों की स्थापना से उनमें बहुत बहुत इजाफा होगा गुड गवर्नेंस में। और राजस्थान आज भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं में अव्वल नंबर पे या पहले 3 नंबर में है, अब सभी योजनाओं में अव्वल रहेगा। इन नव सृजित ज़िलों से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे। ज़िलों की स्थापना से उन ज़िलों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ग्रोथ, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज, नए पुलिस स्टेशन, नए न्यायालय, ये सब जो है इनका गठन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब के गठन से किस तरह से वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, किस तरह से रोज़गार के अवसर और सृजन होंगे। इसकी सूची बहुत लंबी है, तो मैं बहुत ब्रीफ में ही आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस पद पे ये समझ सकती हूँ कि अब इन ज़िलों की स्थापना के बाद, गठन के बाद, आज से ज़िला कलेक्टर्स, एसपी, जो अब तक ओएसडीज थे, जिन्होंने वहाँ जाके उन ज़िलों को, नए ज़िलों को समझा, वहाँ की परेशानियाँ, तकलीफ समझी, अब आज से जब वो ज़िला कलेक्टर्स और एसपी अपने पद को एज ज़िला कलेक्टर एसपी संभालेंगे, तो उनकी टीम सक्रिय होके सभी योजनाएं, और राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं आपने महंगाई राहत कैंप में देखी, वो अपने आप में देश में एक मॉडल बन के उभरा है। और सभी व्यक्तियों को इसमें जो है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को इसमें जो है लाभ मिले हैं। और जो हमने DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में समय समय पर जो है डायरेक्ट लाभ से लाभार्थियों किस तरह से लाभ दिए गए हैं, आप सब उससे परिचित हैं, चाहे वो गैस सब्सिडी था, पेंशन थी, चिरंजीवी था, पालनहार था, सूची इतनी लंबी है कि शायद 1 से 2 घंटे भी योजनाओं के विवरण देने में शायद कम पड़ेंगे। तो आज मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्व मंत्री महोदय को, पूरी टीम को, आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी।